यूरोज है भाई, यूरोज। ये क्या है? फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, पहले के लिए आपको पता था। Hey guys, welcome back and good morning to today's vlog। तो भाई आखिरकार दो दिनों बाद आज जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोचा चलो वापस स्टार्ट करते हैं, बहुत ब्रेक ले लिया। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ थाईलैंड के लिए, आपको जैसे कि पता था। फिलहाल हमने सारी पैकिंग कर ली है, 6:20 का टाइम है, देखो टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे घर के बाहर ही है ओ रेलवे स्टेशन। तो भाई निकल चुके हैं फाइनली वंदे भारत पर बैठ के, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद थोड़ा फ्री है, उसके बाद फिर फ्लाइट और पकड़नी है। अपना टोटल लगेज बस ये एक बैग और ये एक टंगा रखा है और एक ही छोटा सा उसने कैरी कर रखा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई भाई ट्रेन स्टार्ट हुई है, कितनी बार तो चले गए हम, 4-5 बार तो चले गए। बार प्रेफर भी यही कर रहे हैं क्योंकि ये टाइमली पहुंचाती है और सबसे बड़ी बात की सीट्स एंड टाइम पे भी मिल जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। और वी आर लास्ट मिनट पीपल, आज तो बहुत टाइम से ही पहुंच गए हम, हर बार भाग रहे होते हैं आज बहुत टाइम से। देखो 6:20 का टाइम है और विनीता को भी डर लग रहा है कि भाई अंदर कुछ अंदर कुछ चलने वाली है ट्रेन। बताओ वंदे मातरम को ये क्या है? वंदे भारत को मम्मी बोलते वंदे मातरम और गंदे भारत को मम्मी बोलते गंदे नहीं गंदे मातरम को। पागल हो गई, पता नहीं क्या बोल रही है, सुबह सुबह नींद पूरी नहीं है ना, पागल हो गई है। सब चीज़ चार्जिंग पे लगा दी, पावर बैंक चार्जिंग पे, ईयरफोन चार्जिंग पे, सब कुछ चार्जिंग पे लगा दिया है। देखो ये आपको लग रहा होगा मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ, इसके अंदर मैंने ये पर्स रख रखा है, कोई भी चोर देख रहा हो तो भाई ध्यान से देख ले। इस पर्स के अंदर पड़े हैं असली चीज, यूरोज है भाई, यूरोज। अब आप कमेंट करके बताओ कितने यूरोज हैं, कमेंट करके जो सही आंसर बताएगा मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ ये कितने हैं। तो ये 50,000 है, या तो ये 10, या तो ये 3 लाख 2.5 लाख कुछ है, या ये 1.5 लाख है। तो आप बताओ कमेंट करके ये कितने होंगे भाई। यूरोज कैरी करना बहुत इजी है, ये सारा बहुत बड़ा अमाउंट है वैसे मेरे हिसाब से, इतना सही है। पर यहीं पे ही मेरे साइड में 5-10 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो वो इससे ज़्यादा नोट तो 5-10 हज़ार के मेरे। अब जाके ट्रेन से उतर गए, 11:12 हो गई आते आते यार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें भाई, आने के बाद दिल्ली में क्योंकि हमारी फ्लाइट है, रात को 11 बजेगी, प्लान तो करना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ। चला इट्स कैकी तो हमने मना कर दिया क्योंकि 28 तारीख का था, 28 को हम ये थाईलैंड निकल रहे, 7-7 हज़ार प्लस करके ही जाते, कोई बात नहीं भाई। बाकी अभी तक विनता है ना, मतलब अभी फाइनल कर रही है कहाँ से कराएगी। मीनवाइल आप मेरा आउटफिट चेक करो, दिख रहा हूँ क्या? देखो येलो, मुझे ग्रे, US पोलो का है, फॉर वो क्या बोलते हैं मेरा, अगर आपको वार्डरोब जानना है जो मेरा आउटफिट है भाई, ऊपर का US पोलो का ओरिजिनल, नीचे फ्लाइंग मशीन और नीचे जायडन के शूज़ है, उसके साथ एक टैंगी सी घड़ी। इनली विनीता का स्टार्ट हो गया नेल्स का, पहली दिल्ली आते ही मेरा हाथ छोड़ के दूसरों का हाथ पकड़ लिया, देख लो क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तो नकली नाखून लगा रही है, उसमें भी जान आ रही है इसके भाई, देख लो भाई नेल्स ऐसे होते हैं असली में। विनीता ने नेल्स करा लिए, एंड में बेसिक करा है, दिखाई एक बार। अब बोल रही है थाईलैंड में करो। ओहो, अब क्या करना है, अब हमको फिलहाल राजौरी गार्डन से जाना है करोल बाग, करोल बाग में जाके राहुल भैया से मिलना है। राहुल भैया से मिलने के बाद हमको थोड़ी सी और करेंसी लेनी है, हम सोच रहे हैं थाईलैंड की जो लोकल करेंसी है वो भी ले जाए। यूरो ठीक है, पड़े रहे सेफ्टी के लिए, पर 20-30 हज़ार रुपये थाईलैंड की भी करेंसी ले आते हैं। चलो मामा को, मेरे को, मेरे मतलब जो मेरे भाई वगैरह हैं उनको मुझे मिठाई वगैरह देनी थी राखी की, मम्मी ने भिजवाई थी वो तो दे दी, बस ये हो नहीं पाया कि भाई मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी थी, पर वो फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वो बस हो चुका था, फायर अप हो चुका था भाई, इतना पैसा लगेगा लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1,000-2,000-3,000 में नोट वहीं करा लेंगे। विनीता बोल रही है इनका 3 साल चल रहा है लगी, भाई कुल मिला के मैं विनीता से मिलने आ गया और मैंने ये पाउचेस ले लिए यार, क्योंकि इनके पानी वानी में पहुँच जाए तो रिकॉर्डिंग ईजीली हो जाए। तो करोल बाग से तो एग्जिट ले ली, खाने को ले लिया है, यहाँ पर काफ़ी फेमस है ये खाने वाला, अगर आप दिल्ली के तो जानते होंगे इसको। अभी विनीता का इंतजार कर रहे हैं भाई, वो पता नहीं कुछ देखने गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी घर पे, यहीं से कहीं से लोकेट करने गई है। चलो भाई पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, बैग अभी तक पड़े हैं और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। विनीता पहुँचने वाले, मेल्स करा के कितनी शेकी मार रही है, काम ही नहीं हो रहा मेरे से। ये भाई ये बहाने होते हैं लड़कियों के, जब भी बोले ना कि नेल्स वेल्स कराने हैं मत कराने देना,
झाड़ू पोछा कौन करेगा करके। अपनी मेट्रो में बैठ चुके हैं और ये देखो ये है भाई, एयरपोर्ट की मेट्रो थोड़ी अलग है, प्रीमियम है थोड़ी सी प्रीमियम, और यहाँ पे बैग वगैरह रखने का भी अलग से। भाई कोई फर्स्ट टाइम मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखना। हेलो, बहुत कंफ्यूज हो जाके मैं कह सकता हूँ मैंने एयरपोर्ट में एंटर कर लिया। इसके पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारी भड़ जाती आते ही कि भाई क्या होगा, जेल में तो बंद नहीं कर देंगे हमको। हम आते कंफ्यूज रहते भाई, पेपर पूरे लाए नहीं लाए, अब देखते हैं भाई क्या होता है। फाइनली हमारा टिकट कन्फर्म हो गया। हमारे को अलावेंस 77 के जी था, हम लेके गए हैं 8.5 उसने बोला 2.5 किलो निकाल दो। मैंने बोला दोस्त है यार हमारे, तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही बोल दिया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता चलो ले जाओ यार। छोड़ो यार, बोले घूमना यार, दारू पियो यार, ऊपर से तुमको मना और करू खुद को दूध थोड़ी खानी। फिर इसने दिमाग लगा चालू, चलो कपड़े पहनना चालू कर देते अपन तो, एक के ऊपर इसके दिमाग में आ गया था। क्रॉस कर करके इमिग्रेशन पहुंच गए। अब कैसा लग रहा था अब? चाहता है बढ़िया, बाकी क्या, जाके हमारा आना सफल हुआ है और इतनी देर से घूमने के बाद आ गए। ड्यूटी फ्री तो बोल रहे हैं देसी दारू पीनी है, साली ड्यूटी फ्री में देसी दारू थोड़ी मिलती। ये देखो भाई मेरे दोस्तों के ख्वाब लटक रहे हैं यहाँ पे। क्या रेट है, क्या रेट है, क्या बात है भाई, देख ले बंदा ड्यूटी फ्री की कितनी सारी दारू है यार, सारी तरीके की आपको दारू मिल जाएगी भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करना जब भी आप आपकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है आपके पास हार्ड कॉपी में चीज़ें हों तो बहुत ईजी होगा। मैंने खुद पहली बार हार्ड कॉपी में मेरी फ्लाइट टिकट्स रखी, होटल बुकिंग्स का मुझे बोला गया है फिलहाल काम नहीं आया। मैं इंडिया से अभी जब मैं मतलब फ्लाइट ले रहा हूँ तब मुझे होटल बुकिंग का काम नहीं आया है। कैश एक बार के लिए पूछा आपके पास है कि नहीं, क्योंकि बिना कैश के तुम नहीं चल सकते, कैश लेके चलना पड़ता है, बहुत बेसिक सी बात है। तो मैंने यूरोज़ में कर रखा था, उन्होंने बोला आप दिखाओ आपके पास पड़े हैं, मैंने हाथ दिखाया वहाँ पर क्लियर कर दिया। बैगेज की तो 7 kg अलाउड होता है पर जगह पर, है ना, थोड़ा बातचीत करके तमीज़ से बात करके तो मेरे को 2-3 किलो में वो इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पहले बोला मुझे। फिर मैंने बोला अरे यार अंदर यार थोड़ा सा बैग पड़ा है वो निकाल, मतलब बहुत जनरल तरीके से मैंने बोला, और वो बहुत कोऑपरेटिव थी, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो समझ जाता है ये चीज़, और इजीली हमको ले जाने दिया, मतलब बोले ठीक है ले जाओ। फोटोज़ ज़रूरी है, फोटोज़ आपकी ज़रूर लेके जाना आप जब भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट ले जाओ, और वीज़ा तो ऑन अराइवल है अगर स्पेशली आप थाईलैंड जा रहे हो, बाकी बहुत सारी ऑन अराइवल कंट्रीज़ है आप चेक कर ही लेना हो तो, ये सारा मैंडेटरी है। बाकी कुछ खाने का ले आओगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि वेज ऑप्शन कम है मैंने सुना है। फिलहाल हम वेज लेके आए थे, हमने तो यहीं पर ही खा लिया, बस पास्ता वगैरह पैक कराया था दिल्ली का। रात की हो रही है 10:30, अब जाके 15-20 मिनट में बस ये क्या कहते हैं डिपार्चर चालू हो रहे हैं, जब तक मैं सोच रहा हूँ लास्ट में चिप्स वगैरह कुछ लेके आ जाऊँ, खाता रहूँगा मंचिंग करता रहूँगा फ्लाइट में। सुबह हम कुआलालंपुर पहले उतरेंगे, जब तक ये ब्लॉग तो खत्म हो ही चुका होगा, करते ही एडिट करना चालू करेंगे, फिर दोबारा को डेटा दिया और खत्म। कल सुबह एयरपोर्ट पे क्या मिले ना मिले कुछ पता तो है नहीं, कुआलालंपुर उतरेंगे कल तो मैंने भर भर के ये चीज़ें ले ली है, जिसमें बिस्किट तो नहीं है, चॉकलेट्स हैं, शिट सारी चॉकलेट्स ले लिए मैंने, तैयार चॉकलेट्स ली बहुत सारी और एक बनाना चिप्स का पैकेट ले लिया बस, बाकी हाँ बस अब अपने बोर्ड कर लिया। विंता ने देखो गले पर पट्टा बांध लिया। अब 5-6 घंटे की तो ये फ्लाइट है, बाकी जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती है ना उससे तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन बाद स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा बूस्ट करूँगा खुद को कल तक, देन फिर वापस से एनर्जी से बात करूँगा। चलो भाई चलो, फाइनली इसी के साथ करते हैं आज के दिन को समाप्त। कुछ कहना चाहेगी बस, लास्ट ग्लिम्सेस दिखा दूँगा आपको फ्लाइट के, बाकी बस मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।